नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 17 जनवरी 2021। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज डिस्कशन में। इस डिस्कशन में हम राज्य के करंट अफेयर को माइंड मैप के माध्यम से कवर करेंगे और इस डिस्कशन की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ जनवरी 2021 में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में भारत ने जापान के साथ एक MOU साइन किया है। किस क्षेत्र में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए जापान के साथ भारत ने ये एक MOU साइन किया है? तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है जापान। और ये MOU कब साइन हुआ? तो ये हुआ देखो 15 जनवरी 2021 को भारत की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और जापान की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने ये MOU साइन किया। इसमें काफ़ी सारे सेक्टर में फोकस किया जाएगा, जैसे 5G टेक्नोलॉजी, दूसरा टेलीकॉम सिक्योरिटी, इसी प्रकार से काफ़ी सारे सेक्टरों में ये फोकस किया जाएगा। तो बात इसमें जापान की हुई है, तो अब जापान की लोकेशन देख लीजिए। पहले आप, यह है जापान की लोकेशन। देखो इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो जापान की जो कैपिटल है यह है टोक्यो। करेंसी क्या है? जापानी येन। प्रधानमंत्री कौन है? योशीहिदे सुगा। जापान की कुछ इंपोर्टेंट सिटी हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे ये सेंडाई, योकोमोहा, नगोया और ये हिरोशिमा। ये चारों सिटी आपको याद होनी जरूरी है, एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाती है। इधर नॉर्थ कोरिया है, ये साउथ कोरिया है। तो ये तो बात करी हमने जापान की, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने दिसंबर 2020 में आयुष्मान भारत योजना में 3,67,000 से अधिक परिवार को जोड़ा है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिसंबर 2020 में आयुष्मान भारत योजना में 3,67,000 से अधिक परिवारों को जोड़ा है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो राज्य सरकार के द्वारा वो लोग जो इसका हिस्सा नहीं थे उनको इस योजना के दायरे में लाने के लिए 15 दिसंबर 2020 से 14 जनवरी 2021 के बीच एक अभियान चलाया गया था। कब से लेके कब तक? 15 दिसंबर से लेके 14 जनवरी के बीच, 15 दिसंबर 2020 और 14 जनवरी 2021 के बीच में ये एक अभियान चलाया गया था। वो परिवार जो इस योजना का हिस्सा नहीं थे उनको इसमें लाने के लिए इस अभियान को चलाया गया था, याद रखेगा। और इसमें तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोगों को गोल्डन कार्ड भी दिए गए हैं, जिससे कि वो गरीब लोग जो इसका हिस्सा नहीं है अब उनको इस कार्ड के माध्यम से वो इस योजना की जो भी फैसिलिटी है सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। तो इस उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात उत्तर प्रदेश की हुई है तो उत्तर प्रदेश का जो प्रीवियस करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं एक बार। देखो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने डिजिटल पुस्तकालय की शुरुआत की। दूसरा पॉइंट, उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया। थर्ड पॉइंट, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। फोर्थ पॉइंट, भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटक में पहले स्थान पर रहा है, मतलब भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो लोग घूमना पसंद करते हैं वो उत्तर प्रदेश में करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक दौरे के लिए मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। सिक्स्थ पॉइंट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। सेवन्थ पॉइंट, उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिशन शक्ति चलाया था। एट्थ पॉइंट, उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया। 9 पॉइंट, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोरोना को रोकने के लिए हैशटैग हाथ धोना रोके कोरोना अभियान को शुरू किया था। अब उत्तर प्रदेश की लोकेशन देखिए पहले आप, यह है उत्तर प्रदेश की लोकेशन। इसके अगर हम आसपास के राज्यों की बात करें, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये दिल्ली है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। यहां से दो फैक्ट आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से। देखो यहां पे ऊपर एक जिला है जिसकी सीमा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से लगती है। नाम क्या है जिले का? तो देखो इस जिले का नाम है सहारनपुर, याद रखिएगा सहारनपुर। उसी प्रकार से एक जिला यहां पर है नीचे जिसकी सीमा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से लगती है। इस जिले का क्या नाम है? इस जिले का नाम है सोनभद्र। ऊपर तो है ये सहारनपुर और नीचे है ये सोनभद्र, तो याद रखिएगा इसकी सीमा टोटल एक तो है देखो इसमें केंद्र शासित प्रदेश जो कि है दिल्ली, और 8 है इसमें राज्य जिसके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, टोटल मिलाकर 9 हो गए। अब उत्तर प्रदेश की आप लखनऊ तो इसकी कैपिटल है। इसके मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल।
75 जिले हैं लोकसभा की, 80 सीट राज्यसभा की, 31 विधानसभा की, 403 विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ये सभी सीटें दूसरे राज्य के कंपैरिजन में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। इलाहाबाद में इसकी हाईकोर्ट है। गोविंद माथुर यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तारीख को भारत के कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को की। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोविड-19 वैक्सीन प्रोग्राम है। इसका जो इनिशियल फेज होगा ना, यानी इसके फर्स्ट फेज में 3 करोड़ पीपल को कवर किया जाएगा, और इसका जो दूसरा फेज होगा उसमें 30 करोड़ लोगों को कवर किया जाएगा। ये आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। ये डेट पूछी जा सकती है। तो डेट है 16 जनवरी 2021। कालाहांडी जिला किस राज्य में स्थित है? ये न्यूज में क्यों है ये समझते हैं। अभी हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री, नाम क्या है, नवीन पटनायक, इन्होंने इस कालाहांडी जिले में 14 जनवरी 2021 को तकरीबन 54 प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है उड़ीसा। कालाहांडी जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। और देखो, ये जो कालाहांडी जिला है ना, ये उत्तर प्रदेश में सेकेंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर है। अच्छा, आप ये बताइए, अब बात राइस की चल रही है, तो भारत में सबसे ज्यादा जो राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कौन सा है? तो देखो, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है उड़ीसा। अब बात उड़ीसा की हुई है, तो उड़ीसा का प्रीवियस करंट अफेयर देख लेते हैं। देखो, अभी हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री, नाम क्या है, धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की। सेकंड पॉइंट, उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। थर्ड पॉइंट, उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। फोर्थ पॉइंट, उड़ीसा का भीतरकनिका नेशनल पार्क जनवरी 2021 में 9 दिनों के लिए बंद रहेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो क्रोकोडाइल है उनकी जनगणना की जाएगी। फिफ्थ पॉइंट, उड़ीसा राज्य सरकार ने सूजन नल मिशन से पे योजना का उद्घाटन किया। सिक्स पॉइंट, जस्टिस एस मुरलीधर को उड़ीसा के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। सेवन पॉइंट, उड़ीसा राज्य ने एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर जस्टिस ए के मिश्रा होंगे। ये देखो, ये कमेटी भी पूछी जा सकती है। अब बढ़ते हैं उड़ीसा की, देखो लोकेशन देख लीजिए पहले। यह उड़ीसा की लोकेशन, इसके अगर हम आसपास के राज्यों की बात करें, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, 4 राज्यों के साथ उड़ीसा की सीमा लगती है। कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। गणेशी लाल राज्यपाल है। 30 जिले हैं लोकसभा के, 21 सीट राज्यसभा की, 10 विधानसभा की, 147 सीट। कटक में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, गहीरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोशिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी सेंचुरी और नेशनल पार्क ये उड़ीसा में स्थित है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्बा पर्वत कहाँ स्थित है, ये न्यूज में क्यों है? देखो, अभी हाल ही में निम्बा पर्वत, निम्बा माउंटेन में अभी ब्लैक कलर का एक चमगादड़ डिस्कवर किया गया है, इसलिए ये न्यूज में है। अब समझते हैं ये कहां पर है। तो देखो, पहले इसका आप लोकेशन देख लीजिए। यह है, देखो लोकेशन, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का मैप है। इधर यहाँ पे है लाइबेरिया, ये कुछ देश हैं जैसे घना, गायना, और देखो ये जो है ना कोट दी इवोरी। अब इधर देखिए, जूम करके आप देखो, ये है निम्बा माउंटेन्स, ये गायना है, और इधर की साइड में है ये, मतलब देखो इस साइड में आएगा। तो ये कहां पर है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। अब इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। तो देखो, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। निम्बा पर्वत ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, यानी अफ्रीकन महाद्वीप में है स्थित है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2021 में कहां भारत ओमान रणनीतिक सलाहकार समूह IOSFG की बैठक आयोजित की गई? तो देखो, अभी हाल ही में भारत और ओमान की ये रणनीतिक सलाहकार समूह की जो बैठक आयोजित हुई, ये हुई नई दिल्ली में। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कब हुई, 14 जनवरी 2021 को। इसमें भारत की तरफ से थे संजय भट्टाचार्य और ओमान की तरफ से थे शेख खलीफा बिन अली अल हारथी। देखो, ये कोविड-19 के बाद ओमान की फर्स्ट हाई लेवल की ऑफिशियल विजिट है भारत के लिए। अब ओमान की लोकेशन देखिए, यह ओमान की लोकेशन, यहाँ पर कुवैत है, बहरीन है, कतर है, UAE है, सऊदी अरेबिया है, और नीचे है ये यमन। इसकी कैपिटल की बात करें ओमान की, तो सिर्फ कैपिटल आप याद रखेगा, मस्कट इसकी कैपिटल है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेगा, यह है पर्शियन गल्फ और यह है गल्फ ऑफ ओमान। ये जो बीच में स्टेट आती है ना, इसका नाम है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। उसी प्रकार से ये है रेड सी और इधर है गल्फ ऑफ एडन,
ये जो स्टेट है इसका नाम क्या है? बाबल मंदेव स्टेट, याद रखेगा। देखो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, ये है कैस्पियन सी, नीचे है ये पर्शियन गल्फ, इन दोनों के बीच में ये कौन सा देश आता है? तो ये आता है ईरान। उसी प्रकार से ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे है पर्शियन गल्फ और ये है रेड सी, इन दोनों के बीच में ये कौन सा देश आता है? तो ये आता है सऊदी अरेबिया। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य और केरल ने केरल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म आरटी पहल के कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखो ये जो केरला का रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म है ना, अब इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने केरल के साथ एक एमओयू साइन किया है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फायदा क्या होगा? देखो केरला का जो रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म है, इसे स्टार्ट कब किया गया था? अराउंड 2008 के आसपास इसे स्टार्ट किया गया था। यहाँ का जो टूरिज्म सेक्टर है ना, वो बहुत अच्छा है केरला का। ज्यादातर लोग केरला में एज ए टूरिस्ट विजिट करते हैं। तो अब इसी मॉडल को मध्य प्रदेश की सरकार भी अपनाने के लिए उसने केरला के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिससे कि मध्य प्रदेश का जो टूरिज्म सेक्टर है ये भी बूस्ट हो सके। तो देखो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश की सरकार ने एस्ट्राजेनेका के कोविड 19 वैक्सीन की 5 मिलियन खुराक की आपूर्ति के लिए भारत के सीरम संस्थान के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में बोलिविया की सरकार ने एस्ट्राजेनेका, ये है क्या? देखो एस्ट्राजेनेका ये एक कंपनी है, कहाँ की? देखो इसे आप बोल सकते हैं ब्रिटिश स्वीडिश, मतलब एक कंपनी थी एस्ट्रा, एक्स्ट्रा ए बी, ये कहाँ की थी? ये थी देखो स्वीडन की, और दूसरी कौन सी थी? जेनेका, जेनेका ग्रुप, ये कहाँ की थी? ये थी देखो ब्रिटिश की। 1999 में दोनों को मर्ज कर दिया, फिर एक बनी एस्ट्राजेनेका, याद रखेगा एस्ट्राजेनेका बनी, जिसका हेडक्वार्टर इंग्लैंड में स्थित है। अब बात बोलिविया की हुई है, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया है एस्ट्राजेनेका भारत के सीरम इंस्टीट्यूट के साथ, जिससे कि वो एस्ट्राजेनेका की कोविड 19 वैक्सीन की जो 5 मिलियन खुराक है इसकी सप्लाई कर सके, कहां पर? बोलिविया में। अब बोलिविया कहां पर है? देखो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यह है साउथ अमेरिका में। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो लापास, लापास तो इसकी देखो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव कैपिटल है। दूसरी है सक्र, सक्र कौन सी है? कॉन्स्टिट्यूशनल और जुडिशियल कैपिटल है, याद रखेगा। प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट है लुइस आरके, लुइस आरके ये प्रेसिडेंट है बोलिविया के। बोलिविया कहां पर है? ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में स्थित है। कर्नाटक ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों का प्रबंध करने के लिए राज्य भर में कितने केंद्र स्थापित किए हैं? तो ये किए हैं 243। 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। बस इसमें आप इतना याद रखिएगा कि कर्नाटक ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों का प्रबंध करने के लिए राज्य भर में 243 केंद्र स्थापित किए हैं। किसे फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल डू मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में देखो एक है इंडियन फिजिस्ट, और इन्हें एक अवार्ड भी दिया गया था। कौन सा अवार्ड था? नाम बताइए उसका। नाम था पद्मश्री। कब मिला था? 2019 में। किनको? रोहिणी गोडवेले को। तो डी क्वेश्चन का सही आंसर है। इन्हीं को ये फ्रांस का जो ऑर्डर नेशनल डू मेरिट अवार्ड है, इससे सम्मानित किया गया है। किस लिए? साइंस के क्षेत्र में वुमेन को प्रोत्साहित करने के लिए, मतलब वुमेन को एम्पावर करने के लिए साइंस की फील्ड में इन्होंने काफी अच्छा काम किया है, इसी के लिए अब इन्हें फ्रांस के जो ये प्रतिष्ठित अवार्ड है ऑर्डर नेशनल डू मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, पोल जाचेरिया, इनको 28वें अजुतजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उत्पल कुमार सिंह, इनको लोकसभा का सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था, याद रखेगा लोकसभा का सेक्रेटरी, लोकसभा का जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था। मसत्सुगु असकाबा, ये कौन है? देखो ये एडीबी के बारे में सुना होगा आपने, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये अभी चर्चे में भी था, काफी बार ये न्यूज में रहा है। तो इसके ये प्रेसिडेंट है मसत्सुगु असकाबा। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। किस राज्य में स्थानीय लोगों ने काटी बिहू उत्सव मनाया है? तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।